जी तो दोस्तों, N3 की नई वीडियो के साथ द जापान हाउस से शुजा हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि सर, एक महीना रह गया है N3 की तैयारी करनी है, तो आप जो है N3 की वीडियो जो है बहुत सारी अपलोड करें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा रोज़ की एक वीडियो अपलोड अगर हम करते हैं तो। अभी हमारे पास 30-35 दिन हैं, आप लोग जो हैं वो काफ़ी कुछ सीख जाएंगे। चलिए, आज हम पढ़ रहे हैं छोटा सा टॉपिक है N3 का, उए नी। उए का मतलब आपको सबको पता है, खांजी भी लिख दी मैंने यहाँ पे, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये तो खैर बहुत ही बुरा लिख दिया ना, कुछ तो बेहतर होना चाहिए। ठीक है, उए का मतलब है ऊपर। अब उए नी का मतलब है ऊपर, लेकिन यहाँ पर उए नी जो है इसका मतलब ये होगा कि प्लस, वसीम अकरम प्लस की बात नहीं हो रही है, बल्कि प्लस की ये हो रही है बात कि एक तो जैसे वो पंजाबी का मुहावरा है, एक तो बनो सोनी वड्डी उतो सोती उठी, कि एक तो दुल्हन जो है वो खूबसूरत ही बहुत है, फिर जो है माशाल्लाह सो के उठती है, तो क्या ही कहने। ठीक है ना, तो बिल्कुल उसी तरह से हम उए नी बनाएंगे। मिसाल के तौर पे अनो रेस्टोरान नो रियोरी वा ओइशी, ओइशी सबको पता है मजेदार है, ओइशी उए नी। यहाँ पे खांजी में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ना लिखें तो भी, खांजी में लिखते तो भी गलत नहीं है, ना लिखें तो भी गलत नहीं है, यहाँ पे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हिरागाना में लिखते हैं। ओइशी उए नी या सुई दिस, ठीक है, यानी उस रेस्टोरेंट की जो डिशेज हैं एक तो मज़ेदार हैं और मजीद ये कि बहुत सस्ती हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। खनो जो वा खीरे उए नी, खोई कु ओ उकेता हो दिस। यानी वो जो है एक तो खूबसूरत, मजीद ये कि पढ़ी लिखी नहीं, ठीक है, क्या ही कहने। वो ऐसी लड़की आपको ऐसी सूरत उसी सूरत में मिलेगी, जाओ N1 कर लेंगे, N3 से बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए और कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। करे वा सेगा तकाई उए नी, तो वो लंबा बहुत है, मजीद ये के माई नीची उन दोस्ते मस, ठीक है, माई निची उन्दो श्तेमस। ठीक है, यानी एक तो वो हाइट में बहुत लंबा है, फिर ये कि रोजाना एक्सरसाइज करता है, कसरत करता है, तो उससे तो कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक है, तो उवे नी का मतलब है एक चीज ये प्लस दूसरी चीज ये। ठीक है, अच्छा और कोई एग्जांपल बना लेते हैं। चलिए और एग्जांपल क्या बनाए, एक तो वो अंग्रेजी भी जानता है, मजीद ये कि जापानी भी बोल सकता है। ठीक है, करेवा एगोगा एगोगा हाना सेरू बोल सकता है उए नी, करेवा एगोगा हाना सेरू उए नी निहोंगो मो जोज दिस। ठीक है, एक तो ये कि वो अंग्रेजी बोल सकता है, मजीद ये कि लो जी वो जापानी में भी माहिर है। ठीक है, इसी को आप नेगेटिव में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये नेगेटिव में भी हो सकता है कि लड़की एक तो खूबसूरती बहुत है, ऊपर से पढ़ी लिखी बहुत है, तो अब ये नेगेटिविटी में भी आ सकता है कि आप रिश्ता लेने गए थे लेकिन उसने आपको रिश्ता ही नहीं दिया, क्यों, कि वो एक तो खूबसूरत भी बहुत है यार, ऊपर से कि जनाब वो पढ़ी लिखी बहुत है तो मुझे तो रिश्ता देगी नहीं। ठीक है ना, तो नेगेटिव में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोनोमी से नो उरी मोनोवा ताकाई उए नी, कांजी में लिखी तो भी गलत नहीं है, मैंने ऐसे बताया। अनोमी सुनो उरी मोनो बेचने की चीज है, यानी कि शीना मोनो भी कह सकते हैं आप चीजें। अनोमी से नो उरी मोनोवा ताकाई उए नी किंचित सुगा
हिन शित्सुगा योकुनाइदिस। ठीक है, एक तो उस दुकान की चीजें जो हैं वो महंगी बहुत है, ऊपर से जो है उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको आ जाते हैं तो बहुत आसान लगते हैं, नहीं आते तो बहुत मुश्किल है। तो मेहनत करें, N3 की वीडियो हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डालें ताकि आप लोग एक महीने में मेहनत करके N3 पास करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अरिगातो गोज़ाइमाश्ता।